की बड़ी खबर, कल काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पंगत में प्रसाद ग्रहण करेंगे, विश्वनाथ बाबा का प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंगत में ग्रहण करेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका निर्माण चल रहा था उसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल काशी में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है काशी और कल वो लोकार्पण करेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर का। ये बड़ी खबर है, कल की अहम खबर ये रहने वाली है और खास बात ये कि विश्वनाथ बाबा का प्रसाद पंगत में बैठकर ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज की तीन बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, मुख्य खबरें जिन पर पूरे दिन नजर रहेगी। पहली खबर राजस्थान के जयपुर से है जहां कांग्रेस ने महंगाई महारैली का आयोजन किया है। दूसरी खबर किसान महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन ने किया है जिसके नेता राकेश टिकैत नरेश टिकैत हैं जो मौजूद होंगे कैराना में। और तीसरी बड़ी खबर काशी से आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। कल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां पर पंगत में बैठकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। तो काशी में गंगा तक पहुंचने के लिए तंगलियां हुआ करती थी, अब उनकी जगह पूरा कॉरिडोर बनाया गया है जिससे भक्त सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और काशी से हमारे संवाददाता मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें आप इस वक्त बता सकते हैं हमें? जी अच्छा, बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र होने के कारण अगर हम बात करते हैं तो विश्वनाथ कॉरिडोर क्योंकि उनका ये उन्होंने एक संकल्प लिया था, उस संकल्प जो है पूरा हो गया है, जिसको लेकर के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगभग 11 बजे बाबरपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो सीधे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जाएंगे सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद जो है वो सीधे खिड़किया घाट जाएंगे और खिड़किया घाट से नाव के माता जो है मतलब नाव के गंगा के रास्ते जो है वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बता दो कि जिस तरह से बात कम करते हैं कि जिस तरह से लगभग कहा जाए तो 54,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार है और इसमें इसकी लागत लगभग कहा जाए तो 350 करोड़ रुपए की लागत ये बनकर का पूरी तरह से तैयार है, तो तैयार हुआ। इसको लेकर के हम बात करते हैं तो पूरे मंदिर परिसर को जो है फूल मालाओं से सजाया गया है, जगह जगह जो है लाल कार्पेट बनाए गए हैं और इसको लेकर के अगर कहा जाए तो तैयारियां पूरी है। इसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये तीन बड़ी खबरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर तीन बड़ी खबरें देख रहे हैं। पहली खबर राजस्थान से है जहां पर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल शुरू किया है, केंद्र सरकार पर महंगाई के खिलाफ महारैली का आयोजन किया गया है। दूसरी तस्वीर है काशी की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल वो काशी में मौजूद होंगे और पंगत में बैठकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तीसरी बड़ी खबर किसान आंदोलन खत्म हो गया तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन ने आज कैराना में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया है। नमित त्यागी कैराना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नमित, ये बताइए क्या खबर आपके पास है, भारतीय किसान यूनियन जिसके नेता राकेश टिकैत नरेश टिकैत हैं, इस महापंचायत का आयोजन किया गया है लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है, क्या कारण है? अरे ना ऊपर ना चढ़ाओ जाते हैं। देखिए बिल्कुल, किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो लेकिन उत्तर प्रदेश के कैराना में आज भारतीय किसान यूनियन ने जो है एक अभिनंदन रैली का आयोजन किया है जिसमें खुद किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कपिल खाटियान जी हैं जो कि अध्यक्ष भी है शामली से। कपिल जी, क्या मकसद है इस रैली का, क्योंकि किसान आंदोलन तो अब खत्म हो गया है? नहीं, किसान आंदोलन खत्म हुआ, केंद्र की समस्या थी। चलो वहाँ जो भी समझौता हुआ, तीन काले कानून वापिस हुए, MSP पे कमेटी बनी, वो आंदोलन लगभग एक साल चला, वो तो किसानों की तपस्या थी। दूसरे नंबर पे बात यह रही यंकी, अपनी जो प्रदेश की समस्या में कहाँ उठाऊंगे हम, अपने प्रदेश में यहाँ उठाऊंगे? तो उसी की कड़ी में उस राकेश जी ने भी कह देता हम प्रदेश की समस्याओं पर जो है आवाज़ बुलंद करेंगे। उसमें हमारे यहाँ शामली में योगी जी आए थे, उन्होंने ना बात करी किसान की, ना बात करी गन्ना भुगतान की, ना बात करी उन्होंने भ्रष्टाचार की, ना बात करी उन्होंने जो है बिजली की बड़ी दरों की, ना बात करी उन्होंने भूमि अधिग्रहण में जो त्रुटि हो रही उनकी। तो क्या करें बताओ,
किसान महापंचायत का मकसद है स्थानीय समस्याओं को उठाना, और दूसरे नंबर पर जो ऐतिहासिक जीत मिली हमें दिल्ली के आंदोलन से, उसके राकेश जी का अभिनंदन समारोह है यहाँ। पहली बार जो आंदोलन खत्म करने से बाद में शामली की धरती पर है, कैराना की भूमि पर है, ये क्रांतिकारी भूमि है। नमित इनसे पूछिए क्या किसान आंदोलन बहाना है, अब तो सिर्फ चुनाव का नाम ही लेना है और चुनाव को लेकर इस रैली का, इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, ये क्यों ना माना जाए? देखिए कपिल जी, कुछ ही दिन कुछ ही महीनों में जो है यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपको लगता है कि क्या किसान आंदोलन को भुनाया जा रहा है यूपी के चुनाव को लेकर? नहीं, मेरी समस्याओं का समाधान कर दो, हमारा 400 करोड़ गन्ना भुगतान है, करवा दो ना भाई। सरकार है, योगी जी यहाँ आए, उन्होंने गन्ना भुगतान पर बात क्यों नहीं करी? आप ये कह रहे हैं कि ये जो महापंचायत हो रही है इसमें केवल लोकल जो स्टेट के मुद्दे उनको उठाया जा रहा है? राजनीति कुछ नहीं है, हम तो सुनो, हम किसानों का प्रतिनिधित्व करें, किसानों की आवाज उठावे, जो किसानों के मुद्दे हैं हल क्यों नहीं हुए? हम योगी जी से पूछते हैं हल क्यों नहीं करे हुए? जब वे सामने किसानों के जो सबसे बड़े मुद्दे थे जिनके लिए आपने आंदोलन किया था, 3 कृषि कानून, उनको तो सरकार ने वापस ले लिया है। MSP पर आपकी बात थी, MSP पर भी समिति बना ली गई है। क्यों ये हमारे के लगे हैं जो हम इन पर करना भुगतान छोड़ दे 400 करोड़ रुपए? बिजली की पिछले 4 साल में 3 गुनी वृद्धि होगी बिजली बिल में, वो कहाँ से हुई, क्यों करी इन्होंने? भाई स्थानीय समस्याएं हैं, उनका हल क्यों नहीं होता? भूमि अधिग्रहण आज यहाँ इतने राष्ट्रीय राजमार्ग शामली से निकल ली, उनमें कितनी त्रुटि है, मुआवजे नहीं मिल रहे, सब परेशान है, सबको दिक्कत आ रही, क्यों नहीं करी बात? इससे पहले भी मुजफ्फरनगर की बात करें, वहां पर भी महापंचायत हुई थी, तो राकेश टिकैत जितने भी महापंचायत में जाते हैं, इससे पहले भी गए हैं, वो लगातार इस बात का भी आह्वान लोगों से करते हैं कि बीजेपी को इस बार वोट नहीं दीजिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं किसी दल से नहीं हूँ, किसी दल में सम्मिलित नहीं हूँ, तो क्या लगता है कि इस रैली के द्वारा फिर से वही संदेश राकेश टिकैत के द्वारा दिया जाएगा? भाई हम दल पे नहीं है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, पर उसकी जो नीति है उसके हम खिलाफ है, इस सरकार की नीति बढ़िया नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। हमारा गन्ना भुगतान क्यों नहीं, हम ये एक सवाल करें, जो मैन है यहाँ के किसान दुश्मन है के इस सरकार के, इस जिले का गन्ना मंत्री है, जब भी गन्ना भुगतान नहीं हो फिर कहाँ होगा? क्या भारतीय किसान यूनियन यूपी चुनाव में भी उतर सकती है? नहीं, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, पर जो नीति गलत है, जो सरकार गलत काम करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। नमित लगातार कहते रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ जो रैली है वो रखी गई, और साथ ही साथ जो किसानों की बड़ी जीत हुई है। नमित लगातार किसान नेता यही कहते रहे कि उनका राजनीतिक दलों से लेना देना नहीं हो, लेकिन चाहे बंगाल का चुनाव हो चाहे कहीं और का, वो राजनीतिक दल के मंच पर जाके बात करते हैं, वहां पर जाते हैं, भाषण देते हैं और आह्वान करते हैं कि एक पार्टी को वोट ना दिया जाए, तो कैसे राजनीति से इसका लिंक नहीं है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। और समझाना होगा किसान नेताओं को भी कि अगर वो किसानों की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी नज़र 2022 के विधानसभा चुनावों पर उत्तर प्रदेश के नहीं है, और इस जो आज ये महापंचायत बुलाई गई इसका मकसद क्या है? क्योंकि 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उस बैठक में बहुत कुछ तय किया जाना था। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रखी गई है, और जब ये आंदोलन खत्म हुआ था तो उसी वक्त डिसाइड कर दिया गया था कि आंदोलन स्थगित किया जा रहा है और हर महीने जो है एक बैठक संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। लेकिन यूपी के अंदर खासतौर पर बात करें तो कि यूपी के चुनाव नजदीक है, ना केवल यूपी बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव है, लेकिन राकेश टिकैत की बात करें तो इनका एक राजनीतिक भविष्य करियर भी रहा है, तो क्या इस रैली के बहाने क्या राकेश टिकैत दोबारा से राजनीति में उतरना चाहते हैं? ये सवाल भी कई लोग उठा रहे हैं, लेकिन कपिल जी से ही जानना चाहूंगा। कपिल जी, आपने कहा कि हमारा इस रैली का जो है राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बात खुद राकेश टिकैत ने भी उस वक्त कही थी जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था कि हमारा जो मंच है वो राजनीतिक मंच नहीं रहेगा, लेकिन हमने देखा था गाजीपुर पर कई राजनीतिक नेता मंच पर पहुंचे थे, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ था वहां खुद राकेश टिकैत पहुंचे। हमने वहां भी सरकार की जो खिलाफत करी में बिल वापसी ले लेते, हमें वहाँ जाने की जरूरत थी, वहाँ गए थे हम उस पर्पज से। एक साल से हम जो है वहाँ आंदोलन में थे, हमारे जो स्थानीय मुद्दे थे वे पेंडिंग है, गन्ना भुगतान उसी वजह से नहीं हुआ, अगर हम यहाँ होते तो आज तक यह गन्ना भुगतान, हम तो जो है ताला मार के बैठ जाते हैं DCO दफ्तर पर, इन पे मील पे, क्योंकि 400 करोड़ थोड़े बैठेंगे, बताओ हमारे पैसे दबाए बैठे, हम उन्हें भी ना मांगा क्या? क्या फिर से आंदोलन की राह में? हाँ आंदोलन सुनो, किसान का एक ही हथियार है अपनी मांग पूरा करने के लिए, आंदोलन और किसान महापंचायत, इसी से हम सरकार को जगाते हैं। अरे उन्हें भाई कोई फिक्र है राजनीतिक, उन्हें नुकसान होता हो हमारा गन्ना भुगतान दे दो ना, ये बिजली के रेट घटा दो, भूमि अधिग्रहण की जो व्यवस्था खराब हो रही इसे सही कर दो,
हमें जरूरत क्या है, हम अपने घरों में। अगर यूपी चुनाव में कुछ विपक्षी पार्टियां आपको अपने खेमे में लेना चाहे तो क्या आप जाओगे? ना। तो कैराना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। कहा जा रहा है कि मकसद है किसानों के मुद्दे उठाना, लेकिन बातों से साफ नजर आ रहा है, साथ ही साथ अभी तक जो बातें कही गई हैं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की तरफ से, उससे तस्वीर काफी कुछ साफ होती है। इस वक्त की तीन बड़ी खबरें, आज की तीन बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ आज जयपुर में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ महारैली है, और भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत कैराना में। इन तीनों बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे।